हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इनसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, आईपीएल की मैच हो या अपना इक्विटी पोर्टफोलियो हो, पैसा तभी बनता है जब आपकी टीम में ऐसे प्लेयर्स हो जो एवरेज से बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर ज़्यादा इनफॉर्म प्लेयर या स्टॉक्स आपकी टीम में है तो आपके जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मार्केट्स में ऐसी स्ट्रेटजी को मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहा जाता है और आज इस स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान। ये क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सैमको सिक्योरिटीज से ही की थी और फिलहाल ये सैमको म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर और रिसर्च हेड की भूमिका निभा रहे हैं। मार्केट्स के अलावा इन्हें किताबें पढ़ने का, साइकिलिंग और बैडमिंटन खेलने का भी शौक है। तो चलिए स्वागत करते हैं पारस माटलिया जी का। पारस जी, वेलकम टू आवर शो, वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। थैंक यू अपूर्व जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बहुत अच्छा काइंड इंट्रोडक्शन दिया तो उसके लिए भी आपका खूब खूब शुक्रिया एंड इट इज एन ऑनर टू बी ऑन दिस शो विद यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आई एम श्योर कि आज हमारे व्यूअर्स को मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इनफैक्ट सबसे शायद प्रॉफिटेबल या लॉन्गर टर्म्स में, लॉन्गर टाइम स्पैन में चलने वाली स्ट्रैटजी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके साथ आज का पूरा जो कॉन्वर्सेशन रहेगा। बट बिफोर वी बिगिन द कॉन्वर्सेशन, और आपने हमारे लिए कुछ स्लाइड्स भी बनाई है, तो हम इसके पहले कि स्लाइड्स वगैरह में जाए, हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो आपने अपने करियर की शुरुआत सैमको से की थी और फाइनेंस का तो बैकग्राउंड रहा ही है, लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आपने यहाँ पे बहुत कुछ की है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। क्या आपने टेक में इधर सीखा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने डेवलप किए, प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए, तो इससे क्या सीखा आपने और इन सारी लर्निंग्स को कैसे आप अपने करंट प्रोफाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके, सो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड अगर देखे जाए तो स्कूल टाइम से स्टार्ट होता है। तो जो नेशनल साइबर ओलंपियाड होती थी उसमें मुझे 2-3 बार गोल्ड मेडल्स मिले थे। बट व्हेन आई टुक कॉमर्स, जो मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया एज अ कोर्स, तो मेरे जो टीचर्स थे वो बहुत शौक में थे कि आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप आईटी इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे हो। तो कॉमर्स लेके सीए किया एंड वो जो टेक्नोलॉजी यूज करने का जो इच्छा था वो रह गया था, विच कम्प्लीटेड इन सैमको। कि सैमको में आए हम, यहाँ पे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का रोल में मैंने ज्वाइन किया था एंड उसके बाद जो भी यहाँ सारे प्रोसेसेस है, जो भी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस है, प्रोडक्ट्स है, वो सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके, लेवरेज करके बनाई जाती है। तो ओवर द पीरियड मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिला एंड जो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फिर भी मुझे 4 से 5 कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़नी आती है। कि कोड पढ़ के मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे जो लॉजिक है वो फेल हो रहा है एंड कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे सैमको में आके मिला कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने कई सारे टूल्स, कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है अब तक की जर्नी आपकी। तो फिनटेक आजकल का एक बजवर्ड है, तो यू आर लाइक अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ फिनटेक। तो आपने, आपका जो बेस है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स में है और पिछले 5-6 साल से आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी टीम के साथ बहुत ही गहराई में उतर के आप काम कर रहे हो और प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए। तो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी सो फार। और आप इसी जो फिनटेक वाला जो पूरा बैकग्राउंड है उसी को यूज़ करके आप आज हमारे साथ एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटजी शेयर करने वाले हो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते और स्ट्रेट अवे चलते हैं स्ट्रैटजी में। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक है उन्हें स्ट्रैटजी जानने में बहुत ही रुचि होगी, तो लेट्स बिगिन। ओके ओके अपूर्व जी, सो अपूर्व जी अगर मोमेंटम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, उसके पहले एक सवाल है आपसे कि आपको अगर कोई मार्केट में ऐसा बोले कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप एक्सेस रिटर्न्स नहीं कमा सकते, यानी आप जो बेंचमार्क का रिटर्न है उसको बीट नहीं कर सकते, तो क्या आप वो चीज को बिलीव करोगे, कि आप चीजों को मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जो पूरी मुहिम है एस द इंडेक्स, ये तो इसी के ऊपर डिपेंड निर्भर है कि हमें इंडेक्स को बीट करना है। तो डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन बीट द इंडेक्स, तो मैं ये इस चीज में तो विश्वास नहीं करूंगा।
बहुत बढ़िया। बट सर 1970 में एक आदमी थे यूजीन फामा करके, उन्होंने ऐसा बोला कि मार्केट में आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आपके पास इंसाइडर इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, वो सारी की सारी जो है प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तो आप एक्सेस रिटर्न्स नहीं कमा सकते। और इस थियोरी को उन्होंने नाम दिया था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो ये चीज उन्होंने 1970 में कही थी, एंड देन उस चीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। बट ये सेम चीज, सेम आदमी जो है यूजीन फामा जी है, उन्होंने 1998 में कहा कि मोमेंटम इज द मोस्ट परसिस्टेंट एनोमली। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मोमेंटम जो है उनकी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। बट बहुत सारे लोग हैं जो है मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, एक्सेस रिटर्न कमा रहे हैं, बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने एक पेपर निकाला था डाइसेक्टिंग एनोमलीज करके, उनमें उन्होंने ये सारे अलग अलग फैक्टर्स जो है जिससे आप एक्सेस रिटर्न कमा सकते हो, इंडेक्स को बीट कर सकते हो, उनका एक पूरा इनडेप्थ रिसर्च किया था। वो रिसर्च पेपर में भी उन्होंने कहा था कि मोमेंटम जो एनोमली है, यानी मोमेंटम जो एक्सेप्शन है, वो सबसे प्रीमियर एनोमली है, यानी वो यूज करके आप सबसे अच्छे से कंसिस्टेंटली मोमेंटम यूज करके आप एक एक्सेस रिटर्न कमा सकते हो। तो ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर्स आए थे, तो एक रिसर्च पेपर उसमें से ऐसा था जिन्होंने मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी को 215 ईयर्स की हिस्ट्री में टेस्ट किया था। यानी अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग एसेट क्लासेस के प्राइस डेटा लेके 215 साल की हिस्ट्री में मोमेंटम को टेस्ट किया, एंड उन्होंने पाया कि मोमेंटम जो स्ट्रैटेजी है वो एक बहुत कंसिस्टेंटली सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा है, यानी वो कंसिस्टेंटली आपको इंडेक्स बीट करने में हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं कि ये मोमेंटम होता क्या है, बेसिक्स ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में बात करें तो मोमेंटम जो है वो फिजिक्स के वर्ल्ड से आया है, कि जहां पे हमने इनर्शिया सुना होगा, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जो डायरेक्शन में जा रहा है वो वही ऑब्जेक्ट वही डायरेक्शन में जाता रहेगा, और जब तक कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स आके रोकता नहीं है। तो वैसे ही ये सेम फिनोमेनन जो है वो इन्वेस्टिंग में भी है, कि जो स्टॉक जो डायरेक्शन में जा रहा है वो वही डायरेक्शन में जाता रहेगा। यानी कोई स्टॉक अगर ऐसा है कि जो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाता रहेगा, और कोई स्टॉक ऐसा है जो नीचे जा रहा है तो नीचे जाता रहेगा इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। तो ये एकदम सिंपल वे में मोमेंटम स्ट्रेटेजी है कि जो जो डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर इसे एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझे तो आईपीएल का 16 सीजन जो है अभी कंक्लूड हुआ है, और आई एम श्योर कि मैचेस देखते देखते हम एक वर्ड का यूज बहुत करते हैं जो है फॉर्म। तो फॉर्म क्या है? बेसिकली जो प्लेयर कंसिस्टेंटली अच्छा खेलता है वो फॉर्म में है, वो टीम में बना रहता है, बट जो प्लेयर कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं खेलता है, फॉर्म में नहीं है, उसे टीम से निकाल दिया जाता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट को आपने इन्वेस्टिंग में भी यूज करना है, कि जो स्टॉक्स फॉर्म में चल रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना है, जो स्टॉक्स फॉर्म में नहीं चल रहे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इसका हमने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया है ताकि हम हमारे सारे इन्वेस्टर्स को, सारे दर्शकों को समझा सके कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया है क्रिकेट प्लेयर्स का। दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए प्लेयर बी, दोनों 23 साल के प्लेयर्स हैं। प्लेयर ए 4 महीना पहले स्टार्ट करता है क्रिकेट खेलना प्लेयर बी के कंपैरिजन में। प्लेयर ए जो है वो बहुत ही ज्यादा नामचीन प्लेयर है, जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ा, और वो यंगेस्ट प्लेयर बने टू स्कोर अ सेंचुरी इन हिज डेब्यू मैच। तो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन अपूर्वा जी, आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर ने ज्यादा मैचेस खेली होगी, प्लेयर ए या प्लेयर बी? जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख के लगता है कि प्लेयर ए है, उनका परफॉर्मेंस या मैचेस ज़्यादा होगी, लेकिन आई एम श्योर आप कुछ इसमें छुपा के लेकर आए हो, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हो। ओके, सो आई थिंक योर इंस्टिंक्ट इज वेरी राइट। सो जनरली जब भी ये सवाल लोगों को पूछता हूँ तो सब यही बोलेंगे कि प्लेयर ए ने ज्यादा मैचेस खेली होंगी, क्योंकि 4 महीने पहले स्टार्ट किया है, इतना जबरदस्त रिकॉर्ड है, इतना अच्छा नाम है, इतने उन्होंने अवार्ड जीते हैं। बट अब देखेंगे तो प्लेयर ए जो है वो पृथ्वी शॉ है, प्लेयर बी जो है वो शुभमन गिल है। प्लेयर ए पृथ्वी शॉ, यानी बहुत रिकॉर्ड है, आप नाम उनका गूगल करेंगे तो एक लंबा लिस्ट मिलेगा उनके रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स का। बट क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, उनका लास्ट इंटरनेशनल मैच जो था वो जुलाई 2021 में था। बट उसके ही सामने शुभमन गिल जी है, उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा खेला है, कंसिस्टेंटली फॉर्म में रहे हैं, तो आप देखेंगे तो उन्होंने 3 गुने से भी ज्यादा मैचेस खेले हैं कंपेयर टू पृथ्वी शॉ। सिंपल रीजन यही है कि वो फॉर्म में है तो वो अच्छे से खेल रहे हैं और टीम में बने रहे हैं, जबकि पृथ्वी शॉ फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हो गए तो वो टीम से ड्रॉप कर दिए गए। तो एक विनिंग
टीम बनाने के लिए क्रिकेट में भी आपको फॉर्म में जो प्लेयर्स है वैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट वो कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं और आपके जो चांसेस है विन होने के, मैचेस जीतने के, वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो पारस जी, इसमें एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने एक नाम तो स्क्रीन पे लिखा हुआ ही था, सचिन तेंदुलकर का, लेकिन साथ साथ में विनोद कांबली भी इज लाइक अ ऑलमोस्ट अ सिमिलर एग्जांपल, के करेक्ट जो करेक्ट एक एक पॉइंट तक तो ही वाज अ बेटर प्लेयर देन सचिन, बट देन इवेंचुअली बिकॉज ऑफ फॉर्म, इन फॉर्म, आउट फॉर्म, वो सब चीज़ों की वजह से ही वॉज आउट ऑफ द टीम एंड सचिन वेंट ऑन टू प्ले अ बिगर करियर इन क्रिकेट हिस्ट्री। ये आपने बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है। तो जनरली मैं लोगों को गेस करने में बोलता हूँ कि आप गेस करो प्लेयर ए कौन है और प्लेयर बी कौन है, बट वो 23 इयर्स वाला इन्फॉर्मेशन लोग मिस कर जाते हैं और सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का एग्जांपल देते हैं। तो बहुत अच्छा पकड़ा आपने। तो अपूर्वा जी, बहुत सिंपल है इन्वेस्टिंग में भी, कि जो स्टॉक्स फॉर्म में है उन्हें आप टीम में लीजिए, पोर्टफोलियो में लीजिए, जो स्टॉक्स फॉर्म में नहीं है या आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं उन्हें आप टीम से यानी पोर्टफोलियो से निकाल दो। तो एक शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में आप एक विनिंग पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी यूज करके। तो मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है वो समझते हैं मार्केट्स में। दो तरह के मोमेंटम होते हैं, टाइम सीरीज मोमेंटम जिसे एब्सोल्यूट मोमेंटम भी कहा जाता है, और क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम जिसे रिलेटिव मोमेंटम भी कहा जाता है। तो टाइम सीरीज मोमेंटम यानी एब्सोल्यूट मोमेंटम ऐसा होता है कि जहां पे आप स्टॉक का एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस देखते हो, उससे किसी से भी कंपेयर नहीं करते। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि कौन से बैट्समैन ने एकदम पांच पांच बॉल में, एक ओवर में 5 सिक्सेस मार दी या एक साथ 3-4 विकेट्स ले ली, तो वो एक साथ उनका फॉर्म बढ़ गया और वो मोमेंटम में आ गए। वैसे ही कौन सा स्टॉक ऐसा है जिन्होंने 52-वीक हाई ब्रेकआउट दिया है, कि जिनका स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो वो एब्सोल्यूट मोमेंटम में आ जाते हैं। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम यानी रिलेटिव मोमेंटम। तो यहाँ पे हम स्टॉक का परफॉर्मेंस बाकी सारे स्टॉक्स के साथ कंपेयर करते हैं कि जो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है वो रिलेटिव मोमेंटम में स्ट्रांग है। अगेन क्रिकेट का ही एक एग्जाम्पल है कि हम कोई सीरीज होती है, अभी फॉर एग्जाम्पल IPL T20 हुई, तो उसमें कौन से प्लेयर ने हाईएस्ट रन मारे, कौन से प्लेयर ने हाईएस्ट विकेट्स ली, कौन से प्लेयर ने सबसे अच्छा खेला, तो वो कंपेयर टू ऑल अदर प्लेयर्स होता है एंड उसे हम क्रॉस सेक्शनल यानी रिलेटिव मोमेंटम कहते हैं। तो ये दोनों मोमेंटम स्ट्रेटेजीज जो है यूज करनी चाहिए हमें हमारे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में। तो मोमेंटम की बात हमने कर ली कि मोमेंटम क्या है, कैसे काम करता है। हम ये भी समझते हैं कि जो क्रिकेट में हमने बहुत देखा कि बहुत अच्छे से यूज होता है, बट स्टॉक मार्केट में कितना अच्छे से यूज होता है, उसका क्या रिटर्न्स बनता है वो भी जानते हैं। तो MSCI के बारे में तो आपने सुना ही होगा अपूर्व जी, कि बहुत बड़ा एक इंडेक्स क्रिएटर है, कि जहाँ पे MSCI के बनाए हुए इंडेक्स पे $1.3 ट्रिलियन का AUM है, यानी इतना सारा पैसा उनकी इंडेक्स को चेस करता है, उनकी इंडेक्स को फॉलो करता है। तो उन्होंने भी ये एक फैक्टर रिसर्च निकाला था, फैक्टर रिसर्च सीरीज निकाला था, जिसमें उन्होंने पाया कि बहुत सारे जो फैक्टर्स है जो यूज करते हो आप एक्सेस रिटर्न कमाने के लिए, उसमें से मोमेंटम जो फैक्टर है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जो आपको एक्सेस रिटर्न कमा सकता है। आज हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम हमारे जो इंडेक्स है उनको बीट करें। करेक्ट, आई थिंक आपका वो एक कैंपेन भी चल रहा है इज द इंडेक्स। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते तो हमें एक्चुअली ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग छोड़ देना चाहिए। तो इन्होंने यही कहा कि जो मोमेंटम का फैक्टर है वो आप यूज करके एक अच्छे से अच्छा एक्सेस रिटर्न ओवर द इंडेक्स आप कमा सकते हो। फिर एक स्टडी है जो हमने आगे कवर की, कि 215 साल की हिस्ट्री में भी ये जो मोमेंटम फैक्टर है वो सिग्निफिकेंट रहा है। तो MSCI का न्यूमेरिकल एविडेंस देखते हैं। यहाँ पे हमने दो इंडेक्स की प्राइस चार्ट चार्ट किए, प्लॉट किए। तो आप देखेंगे कि जो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है, ब्लू लाइन है, वो 1500 स्टॉक्स अक्रॉस द ग्लोब का इंडेक्स है, यानी 1500 स्टॉक्स बना लेके उन्होंने ये इंडेक्स क्रिएट किया है। 1994 से हिस्ट्री है। अगर आप देखेंगे कि वही 1500 स्टॉक्स में से 350 स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट करो कि जो मोमेंटम में हो, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि वर्ल्ड लेवल पे ये मोमेंटम फैक्टर जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है आपको एक एक्सेस रिटर्न कमाने के लिए। तो आइए अभी देखते हैं कि ये इंडिया में कितना अच्छे से काम करेगा। तो इंडिया में अपूर्व जी दो इंडाइसेस है, मोमेंटम 150, मिड कैप 150, मोमेंटम 50, और निफ्टी 200 मोमेंटम 30। आप इनका परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस से कंपेयर करेंगे ना, तो बहुत बड़ा अल्फा जनरेट होगा। अप्रैल 2005 जो मेजोरिटी इंडाइसेस का बेस डेट है, तब से लेके अब तक अप्रैल 2023 तक आप देखेंगे तो निफ्टी 500 के सामने आप देखेंगे ऑलमोस्ट 8.5-9% का जो है अल्फा जनरेट किया है। 8.5% कैगर, विच टर्न्स टू अ वेरी वेरी बिग नंबर अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें। तो
इनको अगर वापस हम देखें कि इंडिया में अगर मोमेंटम का पावर हमें देखना हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इतना बड़ा फिगर का जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखेंगे, तो यहाँ पे वो गैप जो है ओवर अ पीरियड बढ़ता ही जाता है। तो दैट इज हाउ मच पावरफुल द मोमेंटम स्ट्रैटेजी और मोमेंटम फैक्टर इज। करेक्ट, काफी बड़ा गैप है। जी, तो अभी एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, बट ये भी समझना जरूरी है कि वो स्ट्रैटेजी क्यों काम करता है। तो ऐसा कोई डेफिनेट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके पीछे, बट एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है जिसे इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन कहा जाता है, यानी जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, उसके कारण मोमेंटम चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इन्फॉर्मेशन है उससे अगर समझना हो, सो फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन डिफ्यूजन को भी समझना हो, तो हमने यहाँ पे भी एक क्रिकेट का एनालॉजी लिया है। समझो आपके आपका कोई बच्चा है जो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो उस चीज की सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एज अ पेरेंट आती है, माँ बाप को आती है, सेकेंड लेवल पे फ्रेंड्स एंड फैमिली को आती है, थर्ड लेवल पे जहाँ वो बच्चा अच्छा खेलता है तो जो डिस्ट्रिक्ट कोचेज है, नेशनल कोचेज है, वो डिस्कवर करते हैं, एंड जब वो प्लेयर टीवी पे खेलता है तभी पूरी दुनिया उसे देखती है और पहचानती है कि अच्छा ये आदमी है जो अच्छा क्रिकेट खेलता है। उसी तरह इन्वेस्टिंग में भी, बिजनेस में भी, जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन बिजनेस की होती है वो प्रमोटर्स को होती है, कि समझो कि कोई, मैं एक कंपनी का प्रमोटर हूँ जहाँ पे मैन्युफैक्चर करता हूँ प्रोडक्ट्स, और मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि मेरी जो बिजनेस है, मेरी जो कंपनी है, वो अगले 6 8 12 महीना बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाली है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। सेकेंड लेवल पे मेरे एम्प्लॉयज है, मेरे स्टेक होल्डर्स है, उन्हें पता चलता है कि ये जो कंपनी है उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, क्योंकि मैं भी मेरे सप्लायर्स को बड़ा ऑर्डर दूंगा फॉर रॉ मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स, फॉर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल। तो सेकेंड लेवल पे उनको भी पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री, ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, एंड उन्हें सिर्फ मुझसे ऑर्डर नहीं आएगा, उन्हें बहुत सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स से भी ऑर्डर आएगा, तो उन्हें ये भी चीज भी समझ जाएगी कि ये इंडस्ट्री एज अ होल बहुत अच्छा करने वाली है। थर्ड लेवल पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जहाँ पे एनालिस्ट प्रमोटर से बात करते हैं, डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, एंड समझते हैं कि इन्वेंट्री लेवल्स क्या है, ऑर्डर्स लेवल क्या है, मार्केट कितना अच्छा लग रहा है, इंडस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है, एंड देन वो उनके फाइनेंशियल मॉडल्स अपडेट करते हैं। देन आखिरी में जब सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट प्राइस इन हो जाती है यूजुअली, तब जाके टीवी पे आती है या फाइनेंशियल्स में आती है, तब जाके जो सारा रिटेल इन्वेस्टर्स का क्लास है वो उन्हें पता चलता है। तो जनरली जब ये इंफॉर्मेशन प्रमोटर्स और इनसाइडर से लेके रिटेल इन्वेस्टर्स तक आता है, तब तक ये जो स्टॉक में या इंडस्ट्री में मोमेंटम बना रहता है। तो ये वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन है कि मोमेंटम क्यों काम करता है। लेकिन जब तक ये इन्फॉर्मेशन रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचती है, तब तक बहुत बड़ा प्राइस मूव ऑलरेडी आ चुका होता है। करेक्ट, तो आपने बहुत अच्छे से समझा ये, तो ये इसका ही हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। अल्किल अमाइंस का एग्जांपल है कि 2020 में अप्रैल में ये स्टॉक में 52 वीक हाई ब्रेकआउट आया था, तो ये स्टॉक में आप देखेंगे तो कुछ भी खास हो नहीं रहा था। ब्रेकआउट आने के बाद 2 क्वार्टरली रिजल्ट उनके नेगेटिव आए हुआ रेवेन्यू ग्रोथ थे, बट कहीं तो किसी को तो अप्रैल 2020 में पता था कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो 3 4 क्वार्टर्स के बाद आप देखेंगे तो 26% 30% 50% जैसे ग्रोथ, बड़े नंबर में ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया, एंड जनरली तब तक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट भाव चल चुका था। एंड में अगर आप देखेंगे कि ये जो आप एफआईआई का होल्डिंग है, तो वो 1 क्वार्टर में एफआईआई का होल्डिंग डबल से भी ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे 1.03% से 2.29% हो जाता है एक ही क्वार्टर में। तो जनरली तब तक आप देखेंगे तो काफी हद तक जो ट्रेंड है वो हो चुका है, उसके बाद स्टॉक इतना अच्छे से नहीं चला है। तो ये इन्फॉर्मेशन डिफ्यूजन का एक रियल एग्जांपल है कि जहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे पॉकेट से बाइंग है, कि जहाँ अग्रेसिव बाइंग हुई है बीच बीच में भी ड्यूरिंग द ट्रेंड, तो कोई ना कोई मार्केट में है जिन्हें ये पता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री को इन एंड आउट जानते हैं, तो वो चीज ऑलरेडी आप देखेंगे तो प्राइस में प्ले आउट हो चुकी है। तो अभी स्ट्रैटेजी में जानते हैं कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। अब तक हमने जाना कि इतनी पावरफुल है आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी, जो यूज करने के बाद आप एक एक्सेस रिटर्न कमा सकते हो मार्केट से, बट अभी जानते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है और इसमें आप ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज कर सकते हो। तो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस जनरली ऐसा होना चाहिए कि जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें एक अप ट्रेंड का स्टार्ट दिखना चाहिए, कि अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। दूसरा कि एक कन्फर्मेशन सिग्नल भी आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉल्स सिग्नल हो जहाँ पे आप फंस जाओ, बुल ट्रैप जैसे हो जाता है वैसे।
थर्ड की ये स्टॉक का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा, आपने बाकी स्पीकर से भी बात की होगी तो बोलेंगे कि ट्रेंड जो है वो बहुत पावरफुल है, तो जो प्राइमरी ट्रेंड जो स्टॉक का है उसके अगेंस्ट आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि इलिक्विड स्टॉक्स हो, सर्किट टू सर्किट स्टॉक्स हो, कोई ऐसे ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स हो, तो उन स्टॉक्स में भी आपने एंट्री नहीं करनी, क्योंकि एंट्री एग्जिट्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत लग जाएगा और आपका जो रिटर्न है वो शायद कुछ बचेगा नहीं। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जब आप मोमेंटम प्ले कर रहे हो तो मोमेंटम में आप स्टॉक थोड़ा बढ़ने के बाद लेते हो, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि स्टॉक ऑलरेडी ना बहुत बढ़ गया हो, उसमें और भी ऊपर जाने की जगह हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद आपका जो ट्रेड है वो फ्लैट ही रहेगा, या आपका जो इन्वेस्टमेंट पोजीशन है वो फ्लैट ही रहेगा, या आप लॉस करोगे उसमें। तो ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक ट्रेंड शुरू होने के बाद, कंफर्म होने के बाद ले रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो स्टॉक बहुत ना चल गया हो ऑलरेडी। तो पारस जी, यहाँ पे आपने दो तीन चीज़ें बताई है, तो मैं कुछ थोड़े थोड़े क्लैरिफिकेशंस चाहता हूँ इसमें। तो एक तो हो गया सिग्नल की बात, तो सिग्नल ये क्या और कैसा होता है? फिर दूसरी है कि डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए, तो हाउ डू यू डिफाइन? तो सिंपल कुछ आप रूल्स बता दो कि ये सिग्नल और कन्फर्मेशन कैसा हो सकता है, डाउन ट्रेंड है या नहीं है ये कैसे पता करें, और जो ओवर एक्सटेंडेड मूव वाला जो पॉइंट है कि स्टॉक बहुत ओवर एक्सटेंड नहीं हो जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर आप अप ट्रेंड का एक डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए या एक सिग्नल चाहिए, तो आप 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स है, ऑल टाइम लाइफ टाइम ब्रेकआउट्स है, वो यूज कर सकते हो। आप ऐसा भी कुछ देख सकते हो कि जहाँ पे कोई वो स्टॉक का सेक्टर के सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा हो, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जिसको यूज करके आप एक अप ट्रेंड का स्टार्ट कैच कर सकते हो। तो मतलब सिग्नल और कन्फर्मेशन के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जी, तो सिग्नल आता है उसके बाद स्टॉक थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में ही चलना चाहिए कंसिस्टेंटली, तो आपका एक कंफर्मेशन जैसा हो गया। ओके बहुत बार क्या होता है कि आपका 52 वीक हाई ब्रेकआउट होता है, फिर उसके बाद वो स्टॉक वापस नीचे मूव हो जाता है, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। दूसरा जो आपने पूछा कि डाउन ट्रेंड क्या होगा, तो आप देखेंगे कि अगर आप 3 से 6 महीना या 12 महीना का पीरियड लेते हो पोजिशन का, तो उसमें आपका पिछले 6-12 महीने का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी जो 52 वीक हाई ब्रेकआउट आता है या लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट आता है, तो उसके बाद आप 2-3 महीना देखिए कि उसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उसका जो डाउन ट्रेंड है वो बेंड होके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपने देखना है कि पिछले 6-12 महीने का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंडिंग है, उसमें अगर सिग्नल आता है तो आप देखिए कि वो सिग्नल कंटिन्यू होता है कि नहीं, वो ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं। भले थोड़ा आपका एंट्री लेट हो गया, आपका एंट्री लेट होगा, बट आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यानी आपका ट्रेड आपके फेवर में चलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। एंड जो ओवर एक्सटेंडेड मूव की बात हुई, कि समझो कोई स्टॉक ऑलरेडी ऐसा है, यानी कोई लार्ज कैप स्टॉक है जो ऑलरेडी 2x 3x हो चुका है पिछले 1.5-2 साल में, तो अभी जनरली ऐसा होता है कि उसमें और ऊपर जाने का जगह बहुत कम बचता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई लार्ज कैप स्टॉक 5 गुना 6 गुना 7 गुना हो जाए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जहाँ पे कोई लार्ज कैप स्टॉक है तो वो बहुत ऊपर नहीं जा सकता, बट कोई स्मॉल कैप स्टॉक है तो वो काफी हद तक ऊपर जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑलरेडी 2 गुना 3 गुना हो चुका है वेरी शॉर्ट पीरियड में, तो उसमें या तो आप वेट कम असाइन करिए, या तो वो आप अपॉर्चुनिटी इग्नोर करिए अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है तो। होपफुली आपके जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए। जी तो ये सब करने के लिए बहुत सारे डेटा पॉइंट्स लगते हैं। तो प्राइमरी आप देखिए कि मनी कहाँ फ्लो हो रहा है, यानी पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो एक डिमांड सप्लाई का ही गेम है, कि जहाँ पे बहुत डिमांड है उसकी प्राइस ऊपर ऊपर जाती जाएगी, जहाँ पे बहुत सप्लाई है उसकी प्राइस नीचे नीचे जाती जाएगी। तो प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। FNO डेटा, यानी जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कहाँ पे आपके मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर आपके सपोर्ट है। ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स जानना भी जरूरी है, कि निफ्टी 50 का क्या ट्रेंड है, निफ्टी 500 का क्या ट्रेंड है, आपकी जो स्टॉक में एंट्री कर रहे हो एग्जिट कर रहे हो उसमें सेक्टोरल इंडाइसिस का क्या ट्रेंड है, कि सेक्टर पॉजिटिव ट्रेंड में है, नेगेटिव ट्रेंड में है। आप प्रमोटर बाइंग ध्यान से देखिए कि कहाँ पे जो प्रमोटर्स अगर बाइंग कर रहे हैं तो कुछ अच्छा होने का चांसेस है, दिख रहा है। अगर प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं तो शायद आपका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे देखना जरूरी है, वर्ल्ड डील्स ब्लॉक डील्स भी ट्रैक करना जरूरी है।
तो जो भी आप पोजीशंस लेते हो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंट्री और एग्जिट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट ना लग जाए। कि अगर आपका बाइंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और कोई स्टॉक जो है वो एकदम माइक्रो कैप है या पेनी स्टॉक है, तो उसमें आपका जो रिटर्न बनने वाला होगा उससे ज्यादा शायद आप टेबल पे छोड़ दोगे, कि आपकी एंट्री में 10-15% ऊपर पे हो जाती है आपके बाइंग की वजह से, आपकी एग्जिट जो है वो 10-15% नीचे हो जाती है आपकी एग्जिट की वजह से, तो उसमें आपका बहुत सारा रिटर्न जो है वो उसमें निकल जाएगा और आप आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। एंड आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि जो कोई सर्किट टू सर्किट स्टॉक है तो वो अवॉइड ही करने हैं, क्योंकि अगर उसमें प्रॉफिट भी बनेगा तो उसमें आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर कंटिन्यूस डाउन सर्किट्स चलेंगी तो जो भी प्रॉफिट्स आपने गेन किया होगा वो शायद आप लूज कर दोगे, और आपका जो पोजीशन है इन्वेस्टमेंट है वो शायद एक अच्छा रिटर्न आपको देके ना जाए। तो पारस जी, यहाँ पे आपने एटलीस्ट यहाँ पे 10 पैरामीटर्स यहाँ पे रखे जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को देखने चाहिए। तो आई एम श्योर कि ये सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ लोग होंगे कि जिनके पास समय होगा और टूल्स भी होंगे ये सब करने के लिए, लेकिन इसे रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं? तो अपूर्व जी, वो हम आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है, कैसे जहाँ पे बहुत रिसोर्सेज ना हो, बहुत ज्यादा कैपिटल ना हो, तो वो कैसे मोमेंटम स्ट्रेटेजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर उसके पहले दो तीन चीजें और मैं कवर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे मोमेंटम स्ट्रेटेजी की जो पिलर्स है वो क्या है, कि मोमेंटम स्ट्रेटेजी में आपको जो बाइबल है रूल्स क्या फॉलो करने हैं, तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। जो सबसे पहला रूल है वो है भाव भगवान छे। सो मैं गुजराती हूँ तो ये जो सेंटेंस है बचपन से सुना है कि भाव भगवान जे, तो इसका मीनिंग यही है कि जो भी भाव है वो शायद करेक्ट ही होगा। कोई ना कोई ऐसा है इंडस्ट्री में जो मुझसे ज्यादा ये स्टॉक के बारे में जानता है, ये इंडस्ट्री के बारे में जानता है, तो चाहे मुझे ऐसा लगे कि ये स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है, बहुत अंडर वैल्यूड है, बट शायद कुछ ना कुछ ऐसा रीजन हो सकता है जो आगे जाके बाहर आए। तो जनरली हमारे ये कम्युनिटी में बहुत कहा जाता है कि भाव भगवान जे, यानी आपका जो कलेक्टिव विजडम है मार्केट का वो हमेशा किसी एक इंसान को एक इंस्टीट्यूशन से कई गुना ज्यादा होता है। सेकेंड थर्ड जो है वो एड सेकोटा जी से आते हैं, एक बिलियनर ट्रेंड फॉलोइंग गुरु है, तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजीज यूज करके कई अच्छे ट्रेड्स किए हैं। तो ये कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये जो ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, यानी ट्रेंड जब तक चल रहा है तब तक आपका दोस्त है, जब वो ट्रेंड बेंड हो जाता है या रिवर्स होने लगता है तो आपकी दोस्ती खत्म हो गई, आपको वो ट्रेड छोड़ देना है। और ट्रेंड जो है वो नियर टर्म और मीडियम टर्म में परसिस्ट करता है, यानी वो जो ट्रेंड बना रहता है वो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में बना रहता है। फोर्थ एंड फिफ्थ थोड़ा हम डिटेल में कवर करेंगे कि जो ट्रेंड चल रहा है यानी जो विनर्स है आपके, आपको उनको पकड़ के रखना है, जो आपके लूजर्स है उनको आप जल्दी से जल्दी कट शॉर्ट कर दीजिए। बहुत बार क्या होता है जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम उल्टा करते हैं कि आपके जो प्रॉफिट में ट्रेड है 30-40% ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो ये सोच के कि इतना भी शायद आगे जाके ना मिले, बट लूजर्स को होल्ड करते हो, जब तक मेरा एवरेज कॉस्ट नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी में उल्टा करना है कि आपके विनर्स जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक होल्ड करने हैं, आपके जो लूजर्स है ट्रेंड रिवर्स हो गया है, बेंड हो गया है, तो आप वहां से निकल जाइए। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के लिए करेक्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये करना। बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है कि जहाँ पे हम हमारा जो वो डिस्पोजिशन इफेक्ट कहा जाता है कि जहाँ पे हमारा फियर होता है कि हम जो गेन्स है हमारे वो खो देंगे, सो बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत इंडिविजुअली करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड लास्ट एक बहुत जरूरी है कि जहाँ मोमेंटम है वहाँ एंटी मोमेंटम भी है, यानी जहाँ एक अप ट्रेंड आता है मार्केट में वहाँ साइडवेज भी आता है, वहाँ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट भी आता है, तो वो भी हम आगे देखते हैं। तो स्ट्रैटेजी में ऐसा आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रैटेजी से आप कभी भी टॉप नहीं पकड़ पाओगे, कभी भी बॉटम नहीं पकड़ पाओगे, वो अपना गोल है ही नहीं मोमेंटम स्ट्रैटेजी में, क्योंकि आप एक कंफर्मेशन के बाद एंट्री करते हो तो आप कभी भी टॉप्स एंड बॉटम्स कैच नहीं कर पाओगे, बट आपका जो गोल है वो ट्रेंड को राइड करना है, यानी कंफर्मेशन के आने के बाद जो ट्रेंड चल रहा है उसे आपने राइड करना है। तो यहाँ पे टॉप्स एंड बॉटम्स को कैच करने का कोशिश नहीं करते अपन। जैसे एक बात हुआ अपना कि विनर्स को चलने देना है, लूजर्स को कट करना है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि मार्च 2020 में, अप्रैल 2020 में कई सारे मोमेंटम स्टॉक्स की एंट्री आई थी, तो उसमें से आप देखेंगे तो ये 7 स्टॉक्स का हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक हमारी सिस्टम है जहाँ पे हमें आए थे, तो 7 स्टॉक्स में से 4 जो है वो चलते हैं ऊपर की साइड, 3 जो है नीचे के साइड चलते हैं,
तो चार जो चलते हैं उन्हें आप होल्ड करते रहिए जब तक वो ट्रेंड बनाए। तो कई सारे स्टॉक्स अप्रैल 2020 से लेके 2021 2022 तक भी होल्ड किए गए थे। बट जो स्टॉक्स नहीं चले वो हमने आप देखेंगे तो 6-8 महीने में उनका एग्जिट हम कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे ट्रेंड चल रहा है तो वो आप फॉलो करिए, ट्रेंड नहीं चल रहा है तो आप वहां से निकल जाइए। निकल जाइए। तो जैसे हमने कहा कि मार्केट में तीन फेजेस होते हैं, तो जहां पे आपकी एक स्ट्रैटेजी है जो नियर एंड मिड टर्म में काम करती है, तो मार्केट जहां पूरा ही खराब है तो वहां पे आप कितनी भी एंट्रीज लेंगे देर इज अ वेरी हाई चांस कि आप लॉस में ही एग्जिट करेंगे। तो ये एंटी मोमेंटम के पीरियड्स होते हैं कि जहां पे आपका जो एक्सपोजर है इक्विटी का या ये स्ट्रैटेजी का एक्सपोजर है वो कम होना चाहिए, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब भी मार्केट में एक बुल रन चल रहा है तभी आपका एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए, तब आपने ज्यादा नंबर ऑफ बेट्स ज्यादा लेनी चाहिए। तो ये खराब पीरियड में जितनी कम बेट्स लोगे जितना कम आपका इक्विटी एक्सपोजर होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। सो ये बेसिकली जो आपने रेड मार्किंग्स की है वो जो निफ्टी में बड़े बेयर मार्केट्स आए उनकी ये निशानी है। तो ऐसे पीरियड्स में मोमेंटम स्ट्रेटजी नहीं काम करती है, तो आपको तभी मिनिमम एक्सपोजर रखना चाहिए। तो अपूर्व जी मोमेंटम जो है वो दोनों साइड काम करता है, अप साइड भी मोमेंटम काम करता है, डाउन साइड भी मोमेंटम काम करता है। बस डाउन साइड में ये है कि आप शॉर्ट सेलिंग ना करें, मतलब वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो आप सिर्फ लॉन्ग ओनली अगर स्ट्रेटेजी मोमेंटम की फॉलो कर रहे हो तो ये पीरियड में आपको मार्केट से थोड़ा बाहर हो जाना जरूरी है। तो जैसे आपने कहा था कि इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो मोमेंटम में कैसे पार्टिसिपेट करें, तो बहुत सारे आप देखेंगे तो ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स यूज होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स पे ये डेटा पॉइंट्स आपको रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक करने हैं। तो ये बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्ट है। तो उनके लिए हम एक नया फंड लेके आ रहे हैं, सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड, जो इंडिया का सबसे पहला एक्टिव मोमेंटम फंड है, जहाँ पे आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी को एक एक्टिवली म्यूचुअल फंड में मैनेज करते हो। तो यहाँ पे हमने एक प्रोप्राइटरी मोमेंटम सीकिंग एल्गोरिदम बनाया है, जो हमने आपको दिखाया कि ये सारे डेटा पॉइंट्स है, ये स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, तो वो सारी चीजें हमने इसमें कंसिडर की है, कॉन्फिगर की है। एंड जो भी स्टॉक्स मोमेंटम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं वो ये फंड में लिए जाएंगे, एंड जो जब भी ट्रेंड बेंड हो जाता है, मोमेंटम खत्म हो जाता है, तो वो ये फंड से निकाल दिए जाएंगे। तो ये जो एल्गोरिदम की बात की मैंने आपको, उसके तीन भाग है, तीन हिस्से है। पहला है सिग्नल जनरेटिंग इंजन, जहाँ पे हमें बाई सेल सिग्नल आते हैं बेस्ड ऑन एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया जो हमने सेट किए हैं। दूसरा इंजन है जो रिस्क रिवॉर्ड पैरामीटर्स देखता है और हमें एक आइडियल वेट देता है हर एक पोजीशन के लिए, हर एक बाई बाई कॉल के लिए। एंड थर्ड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंजन, जहाँ पे हमें एक आइडियल पोर्टफोलियो देता है कि कौन किस तरह का पोर्टफोलियो आपको किस दिन दिखना चाहिए। तो ये थर्ड इंजन है, उसका दो काम है कि कोई नया बाई सिग्नल आता है तो वो अगर कैपिटल होगा तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा, बट अगर कैपिटल नहीं होगा तो वो ओपन पोजीशंस एनालाइज करेगा, वो फाइंड करेंगे कि कौन सी पोजीशंस ऐसी है जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी लॉस खा रही है, या कौन सी पोजीशंस ऐसी है कि जहाँ पे वो स्टॉप लॉस ठीक है, तो उन अपॉर्चुनिटीज को निकाल दिया जाएगा और ये नए जो बाई सिग्नल आए उनको चांस दिया जाएगा। ये है उसका पहला रोल। दूसरा रोल ये है कि लुकिंग एट ब्रॉड मार्केट ट्रेंड, वो देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम है कि एंटी मोमेंटम है, और उसके बेसिस पे जो इक्विटी एक्सपोजर होगा फंड का वो भी डिसाइड होगा कि जहाँ पे मोमेंटम है तो अग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे, मोमेंटम नहीं है तो थोड़ा सा हम इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पे कम कर देंगे। तो मोमेंटम के पैसिव इंडेक्सेस भी है, बट पैसिव इंडेक्सेस के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हम सुधार रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारा एल्गोरिदम है वो तो है, प्लस इंडेक्स में 6 महीने के गैप में रीबैलेंसिंग होता है, जबकि हम हमारी स्ट्रैटेजी में रियल टाइम रीबैलेंसिंग करेंगे, उससे एंट्री एग्जिट जो है हमारी काफी एफिशिएंट होंगी कंपेयर टू द इंडेक्स। सेकेंड, कि जैसे मैंने आपको बोला कि इंडेक्स जो है वो फुल्ली इन्वेस्टेड रहता है, फुल्ली लॉन्ग रहता है इवन ड्यूरिंग द बैड टाइम्स, तो उन समय पे हमारा इक्विटी एक्सपोजर जो होगा वो 100% से कम होगा, तो हमारा डाउनसाइड प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिला के जो है हम मोमेंटम इंडेक्सेस जो अवेलेबल है मार्केट में उससे भी हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। बट ये भी समझना जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो में आपका मोमेंटम कितना पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, हेज फंड मैनेजर्स है, सेलिब्रेटेड ऑथर्स है जिन्होंने मोमेंटम पे काम किया है, तो वो कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 5% से लेके 30% तक मोमेंटम एज अ फैक्टर होना चाहिए। आज आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आप वैल्यू में करते हो, ग्रोथ में करते हो, तो मोमेंटम भी उसी तरह एक फैक्टर है जो आपको एक्सेस रिटर्न कमाने में बहुत मदद करता है। तो उस
पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए मोमेंटम होना चाहिए, एंड जब भी एक बुल मार्केट आता है तब ये आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत ही किकर के जैसे काम करता है कि जहां पे आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न ये मोमेंटम देखे जाता है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा हो तो आप 30-40% भी मोमेंटम स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो का। आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप 5-10% भी मोमेंटम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अपूर्व जी, ये जो स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई उसकी समरी बहुत सिंपल है कि मोमेंटम जो फैक्टर है, जो स्टाइल है, वो क्रिकेट की फॉर्म जैसा है कि जहाँ पे आप यूज करके एक एक्सेस रिटर्न्स मार्केट में कमा सकते हो, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है टू जनरेट एक्सेस रिटर्न्स। फॉर्म जो है, मोमेंटम जो है, नियर एंड मिड टर्म में बना रहता है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। तो नियर एंड मिड टर्म में बहुत अच्छे से काम करता है। जो कि आपने पूछा कि रिटेल इन्वेस्टर्स मोमेंटम में कैसे पार्टिसिपेट करें, तो थोड़े इंडेक्स फंड्स भी है, और ये पहला एक्टिव फंड है इंडिया का, सैमको का, कि जहाँ पे हम इंडेक्स फंड से भी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सके। तो रियल टाइम रीबैलेंसिंग यूज करेंगे, हमारा जो यूनिवर्स रहेगा वो 750 स्टॉक्स का यूनिवर्स होगा, यानी जो हमने एल्गोरिदम की बात की वो एल्गोरिदम 750 स्टॉक्स में मोमेंटम्स ढूंढता है, और मोमेंटम जहाँ मिलता है उसमें इन्वेस्ट करता है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी मार्केट का ही फेस खराब है, मूड खराब है, तभी हमारा जो एक्सपोजर है इक्विटी में वो हमारा कम हो जाएगा। एंड जो एक हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन्वेस्टर को मिलना चाहिए, इंडेक्स को बीट करना चाहिए, वो ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी से करना काफी हद तक पॉसिबल है। एंड आई होप कि आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत क्लियरली समझी हो, मोमेंटम स्ट्रैटेजी का क्या पावर है वो बहुत अच्छे से समझा हो, एंड होपफुली आपके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय किया हो। जी बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है अब तक। अगर मैं संक्षिप्त में इसको समराइज करूं तो एक चीज़ जो इस कॉन्वर्सेशन से डेफिनेटली हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को लेनी चाहिए वो ये है कि मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ फैक्टर हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल फॉर मोर देन 200 ईयर्स। तो 200 साल की हिस्ट्री में अगर कोई एक फैक्टर बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया, तो वो मोमेंटम है। तो ये बात आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। और इसमें आपने बहुत सारे पैरामीटर्स बताए, तो 8 से 10 पैरामीटर्स तो आपने यहाँ पे बताया। आई एम श्योर कि इनसे ज़्यादा भी पैरामीटर्स होंगे जो आप ट्रैक करते होंगे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास समय है और जो करना चाहते हैं वो ये चीज़ों को लेकर के अपनी खुद की स्टडी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय और इतना रिसोर्सेज नहीं है वो लोग के लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो है कि NFO में इन्वेस्ट करें। तो सैमको एक्टिव म्यूचुअल फंड का जो NFO आ रहा है वो 15 जून से लेकर 29 जून तक खुला रहने वाला है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आप NFO में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ख़ास बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि फ़िलहाल के लिए जो फ्रेश इनटेक है वो सिर्फ ये NFO के दौरान रहेगा। तो लमसम या जो SIP का इन्वेस्टमेंट्स अगर किसी को करना है तो वो ड्यूरिंग द NFO पीरियड ही कर पाएंगे। इसके बाद पीरियोडिक बेसिस पर फंड ये डिसाइड करेगा कि कब हमें पैसा लेना है। तो ये ओपन एंडेड काइंड ऑफ स्कीम नहीं है, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए खुलेगा। जब पारस और उनकी टीम को ये लगेगा कि अभी हम पैसे ले सकते, देर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, तो तभी इनके फंड के दरवाजे खुलेंगे। सो ये बात खास आप ध्यान में रखिएगा। परफेक्ट परफेक्ट, ओके कूल, तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी एक नया मार्गदर्शन मिला होगा, नया तरीका मिला होगा इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने का। तो थैंक्स अ लॉट पारस जी फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। थैंक यू अपरू जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यू नो फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू टू फॉर द NFO एंड फॉर द सक्सेस ऑफ द फंड। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द थैंक यू, बेस्ट। थैंक यू। तो ये थे पारस माटलिया जी। इनके साथ हुए इस कॉन्वर्सेशन में हमने देखा कि मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी कैसे लंबे पीरियड्स में काम करती है। तो 215 साल की हिस्ट्री में हमने देखा कि मोमेंटम काम करती है और जो बाकी के नॉर्मल इंडाइसेस है उससे 2 गुना या 3 गुना तक बेटर रिटर्न्स देती है। इसके बाद हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, वो देखे कैसे मोमेंटम फाइंड आउट करे स्टॉक्स में, रिलेटिव मोमेंटम और एब्सोल्यूट मोमेंटम, ये सारी चीज़ें देखी। तो आई एम श्योर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा होगा आपके लिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस और स्ट्रैटजीज के बारे में जानने के लिए हमारा एपिसोड आगे भी देखते रहे। तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।